हेलो प्रेपमेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपनी प्यारी मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 में। और हमारी जर्नी पहुंच चुकी है आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, एक ऐसा चैप्टर जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। एंड ऑल्सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ क्लास 12th फिजिक्स। मैं पहले ही बताना चाहूंगा कि वो बच्चे जो बोर्ड्स के लिए अपियर होने वाले हैं अगले 15 से 20 दिन के अंदर डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर, उनके लिए ये जो वीडियोस हैं वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। उन्हें इस तरीके से इन वीडियोस को नहीं छोड़ना कि शायद सर नीट के लेवल का पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है बोर्ड्स के लिए काम ना आए। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि स्टडीज के अंदर, खासकर फिजिक्स के अंदर, लेवल नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। आपको चीजें जितना बेटर तरीके से समझ में आएंगी, आप उतने ज्यादा वैरायटी ऑफ एग्जाम्स के अंदर इफिशियंटली अपीयर कर पाएंगे। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, राइट। तो हमारे वीडियो का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट मैप रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, और इसकी शुरुआत जो होगी वो होगी एक नई फिजिकल क्वांटिटी से जिसको कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। बट ये बिल्कुल सिमिलर क्वांटिटी है जैसा आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता था किसी एरिया से पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट सरफेस एरिया, राइट। मतलब नंबर डेंसिटी थी एक तरीके से। वो कुछ इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक गिवन एरिया से कितने नंबर में पास हो रही है उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाएगा। ये उसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, बट हमें तो फॉर्मूला चाहिए ताकि हम इसको कैलकुलेट कर सकें। तो क्वांटिटेटिवली मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन किया जाता है, यानी कि बी डॉट डी एस। अक्सर मैग्नेटिक फील्ड किसी गिवन एरिया के हर पॉइंट के ऊपर चेंज होती हुई नजर आती है, तो आप नेट फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन की टेक्निक्स का सहारा लेते हो। अगेन, आपको इसकी जो जरूरत है वो रेयरली कभी पड़ेगी, राइट, एग्जाम के अंदर। खैर, ध्यान रखना हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था उसकी कोई स्पेशल यूनिट नहीं रखी थी, उसका कोई स्पेशल नाम नहीं रखा था, जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट है वो अक्सर एग्जाम्स के अंदर, खासकर बोर्ड के अंदर पूछ ली जाती है। तो ध्यान रखना है इसकी ऐसा यूनिट होती है वेबर, राइट, WB से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो इसकी जो पूरी की पूरी कहानी है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मैच करती हुई नजर आती है। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, ये और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों पैरेलल रख के आप पढ़ाई कर सकते हो। हालांकि मोस्ट वांटेड सीरीज में तो आपको उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वैसे ही बहुत ही ज्यादा इफिशियंटली सारी की सारी चीजों को देख रहे हो, राइट। अब जैसे ही हमें मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पता चलता है तो फिर हम एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो कहानी है उसको तीन लॉज के द्वारा डिफाइन कर दिया जाता है, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ एंड थर्ड इज लेंज लॉ, राइट। फैराडेज फर्स्ट लॉ जो है वो केवल और केवल इस घटना को डिस्क्राइब करता है, कहता है कि अगर किसी लूप से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो उस लूप के अक्रॉस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF प्रोड्यूस हो जाएगा, और अगर लूप क्लोज्ड है तो उसके अंदर एक करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगी। और इस पूरी की पूरी घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाएगा। बोर्ड्स के लिए ध्यान रखना, पूछे जाते हैं, राइट। सेकंड लॉ के अंदर उसने क्वांटिटेटिवली इसको डिफाइन किया था कि ये जो EMF होगा वो रेट ऑफ चेंज इन टोटल फ्लक्स पर यूनिट टाइम विद रेस्पेक्ट टू टाइम के इक्वल होगा, यानी कि E=dΦ/dt। और लेंज लॉ जो है उन्होंने नेगेटिव साइन और लगा दिया था इसके ऊपर, और इसको थ्योरेटिकली बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल लॉज में से एक माना जाता है फिजिक्स के, कि ये जो EMF है ये इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि ये अपने खुद के कारण का विरोध करेगा, इट विल अपोज इट्स ओन रीजन, राइट। अब ये जो फंडामेंटल लॉ है जिसके ऊपर लेंज लॉ बनाया गया है वो है हमारा जाना पहचाना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ब्रेक करते हो, लेंज लॉ को ब्रेक करते हो, तो फिर फिजिक्स जो है वो आगे की ब्रेक हो जाती है। तो दिस लॉ इज वेरी फंडामेंटल इन नेचर, राइट। तो हमारे लिए तो ये फॉर्मूला काम का है, यानी कि EMF इज इक्वल टू -dΦ/dt, राइट। माइनस केवल और केवल इस बात को शो करता है कि EMF का ओरिएंटेशन कैसा होगा, किस तरीके की करंट जो है वो लूप के अंदर प्रोड्यूस करेगा, राइट।
जैसे ही आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज होता हुआ देख रहे हो, समझ जाना ग्राफ के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको ग्राफ दिया जा सकता है फाई और टी के बीच में, और पूछा जा सकता है कि बताओ ईएमएफ क्या होगा, या ईएमएफ और टाइम के बीच का ग्राफ दिया जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है बताओ चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, राइट। तो स्लोप ऑफ फाई वर्सेस टी जो ग्राफ होगी वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगी, ईएमएफ को, या फिर एरिया अंडर द कर्व ऑफ ग्राफ बिटवीन ईएमएफ वर्सेस टाइम विल रिप्रेजेंट चेंज इन फ्लक्स। तो ऐसे चीजें जो है वो रिलेट करते जाओ यार, मोस्ट वांटेड सीरीज का सबसे ज्यादा फायदा यही है कि अब आप चीजों को रिलेट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, राइट। खैर, जैसे हमें ईएमएफ पता पड़ गया और अगर हमें उस लूप का रेजिस्टेंस भी दे दिया जाए, तो ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करके हम उस लूप के अंदर कितनी करंट फ्लो होगी वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ईएमएफ यानी कि डी फाई बाई डी टी को मैंने आर से डिवाइड कर दिया, साइन हमारे लिए मायने नहीं रखता, हम उसकी जो डायरेक्शन है वो अपने अलग रूल्स के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। और जो चार्ज होगा, राइट, आई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, या डी क्यू जो होगा वो आई मल्टीप्लाइड बाई डी टी के इक्वल होगा। तो जैसे इसको डी टी से मल्टीप्लाई करोगे, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जो होगा वो सिंपली किसके इक्वल हो जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड के इक्वल हो जाएगा। ध्यान दो, करंट और ईएमएफ दोनों टाइम के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि कितना जल्दी जल्दी आपका फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है, कितनी रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा है, जबकि चार्ज के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ज केवल और केवल एब्सोल्यूट चेंज इन फ्लक्स के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, कितने टाइम में हो रहा है कोई मतलब नहीं है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज फॉर्मुलाज विल बी डायरेक्टली यूज्ड इन एग्जामिनेशन, इन डायरेक्टली यूज्ड इन क्वेश्चंस, राइट। अब जैसे आपको ये ईएमएफ की घटना पता चलती है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पता चलते हैं, तो फिर आप एक डिवाइस बनाने की कोशिश करते हो, और ये नई नहीं है, आपने सोलेनॉइड के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है और सर्कुलर कॉयल के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है, और आपने पढ़ा हुआ है कि उनके अंदर जैसे ही आप करंट फ्लो करते हो तो उनके सेंटर पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हुई है वो खुद उस सोलेनॉइड या उस कॉयल के एरिया से पास हो रही है, यानी कि वो खुद के ही अंदर से पास हो रही है, एक फ्लक्स आपको मिल रहा है, और अगर आप करंट को चेंज करोगे तो वो फ्लक्स चेंज होगा, और अगर आप फ्लक्स को चेंज होते हुए देखोगे तो आप समझ जाना कि लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग यहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस हो रही है। तो इस डिवाइस को, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है, ठीक है। जैसे सपोज करो आप कोई भी कॉयल या सोलेनॉइड लोगे, तो आप ये सीधा सीधा रिलेट कर सकते हो कि जो टोटल फ्लक्स होगा उस कॉयल या उस सोलेनॉइड से एसोसिएटेड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके अंदर से बहने वाली करंट के। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके अंदर बहने वाली करंट के, राइट। तो इसका और इसका जो रेशियो होगा, यानी कि जो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट होगा फाई और आई का, वो कहलाएगा एक नई क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। इसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट भी बड़ी स्पेशल है, हेनरी इसकी एसआई यूनिट का नाम है, इसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको ध्यान होना चाहिए। तो सोलेनॉइड के लिए अगर आप एल की वैल्यू निकालोगे इन रूल्स को यूज करके, तो निकल के आएगी म्यू नॉट टाइम्स म्यू आर टाइम्स एन स्क्वायर टाइम्स ए डिवाइडेड बाय एल। ध्यान रखना एल जो है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एरिया और लेंथ यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलेनॉइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कितनी करंट फ्लो हो रही है या कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है, क्योंकि उनके रेस्पेक्ट में तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ गिवन सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की प्रॉपर्टी है, राइट, ये सर्किट की प्रॉपर्टी नहीं। सो एल जो हो जाएगा वो म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर टाइम्स ए डिवाइडेड बाय एल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। कॉयल के लिए म्यू नॉट टाइम्स पाई टाइम्स एन स्क्वायर टाइम्स रेडियस डिवाइडेड बाय 2। अगेन नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉयल में लेंथ नाम की कोई डायमेंशन होती नहीं है यार, है ना। तो रेडियस नाम की क्वांटिटी होती है, तो रेडियस के आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आ रहा है। ध्यान रखना रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आ रहा है, इसका मतलब है एरिया के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि एरिया रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस फॉर्मूला को ध्यान रख लो, यूज करना मैं सिखाऊंगा आपको आराम से, राइट। अगर किसी इंडक्टर, अच्छा इन सारी डिवाइसेस को इंडक्टर कहा जाता है इन जनरल, जिनमें सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो किसी इंडक्टर के अक्रॉस अगर आप
करंट आई फ्लो करने की कोशिश करोगे और वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही होगी, तो उसके अक्रॉस एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एल डीआई बाय डीटी। तुम पूछोगे सर कहाँ से आई, तो फाई की जो वैल्यू होगी वो एल आई के इक्वल हो जाएगी, और डी फाई बाय डी टी किसके इक्वल होता है, ईएमएफ के इक्वल होता है, तो एल तो कॉन्स्टेंट है तो बेचारा करंट फंस जाएगा डिफरेंशिएशन के अंदर, इसलिए एल टाइम्स डीआई बाय डीटी हो जाएगा ईएमएफ, राइट। एक इंडक्टर के ऊपर आपने करंट जीरो से लेके कैपिटल आई तक स्टेब्लिश कर दी, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ टाइम्स एल टाइम्स आई स्क्वायर, और उसके अंदर जो ये एनर्जी है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में होगी। तो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी होती है, जिसको एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है, वो हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट, और अगर कोई और मीडियम है तो म्यू, राइट। ये जो फॉर्मूला है ना ये बिल्कुल सिमिलर है किसके, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी देखी थी वो हुआ करती थी हाफ एप्साइलन नॉट ई स्क्वायर। अब ये मत बोलना कि सर हम भूल गए, ठीक है ना, तो हाफ यहां पर भी दिखाई दे रहा है, ये एप्साइलन नॉट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक फंडामेंटल कांस्टेंट है, और यहां पर ये मैग्नेटिज्म का एक फंडामेंटल कांस्टेंट है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये डिनोमिनेटर में आता था और ये हमेशा कहां पर आता है, न्यूमरेटर के अंदर आता है, राइट। तो इनका जो रिलेशन होगा है, मतलब जब भी आप फॉर्मूलाज ट्रांसफॉर्म करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला को मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला को इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आप डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हो कि जहां पर एप्सिलॉन नॉट है वहां पर वन अपॉन म्यू नॉट रिप्लेस कर देना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर हो गया। आई डोंट नो हाउ मच डू यू रिलेट दीज काइंड ऑफ स्टफ, बट अगर आपको ऐसा करना आता है तो आपकी जो फिजिक्स है वो बहुत छोटी हो सकती है, क्योंकि चीजें ट्रांसफॉर्म हो जाती है अक्सर, राइट। मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ बट इट इज अप टू यू कि आप कितना कंफर्टेबल फील करते हो। अब आप नॉर्मली इंडक्टर बनाओगे तो किसी ऑब्वियसली सोलेनोइड की अगर अपन बात करें तो किसी वायर को लपेट के बनाओगे, उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस भी होता है, या हो सकता है आपने इंडक्टर की सीरीज में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया हो, एलआर सर्किट बोला जाता है। तो इसको जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करते हो और जैसे ही स्विच को ऑन करते हो तो आप देखते हो कि करंट ट्रांजिएंट होती है, मतलब वो जीरो से लेके अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ने की कोशिश कर रही है। ट्रांजिएंट अवस्था का मतलब होता है चेंज होती हुई दिखाई देती है, और अगर करंट चेंज होती हुई दिखाई देगी तो तुम कह सकते हो कि सर इसके अक्रॉस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और इसके अक्रॉस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो अपने कारण का विरोध करेगा, यानी कि करंट के ग्रोथ होने का विरोध करेगा। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे स्विच ऑन करेंगे ना करंट शक से एकदम से इंक्रीज हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। आप देखोगे करंट बड़ी स्मूथली इंक्रीज होती है, ये जो इलास्टिक नेचर आपको दिखाई दे रहा है करंट की ग्रोथ का, ये बेसिकली किसकी वजह से आया है, इंडक्टर की वजह से आया है। तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इलास्टिक प्रॉपर्टी भी बोला जाता है अक्सर, राइट। खैर, तो हम अगर इस करंट ग्रोथ के अंदर इंटरेस्टेड है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला को ध्यान रख सकते हैं कि इस सर्किट के अंदर जो करंट है वो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ग्रो होगी, एक्सपोनेंशियली ग्रो होगी। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट टाइम्स वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन लैम्डा होगा, और यहाँ पर आई नॉट जो है वो तो ई अपॉन आर के इक्वल हो जाएगा। मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट की कंडीशन में क्या होगा, एल जो है वो एक परफेक्ट कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और जो लैम्डा है ये होगा एल अपॉन आर के इक्वल। ध्यान देना, एल आपका इंडक्टेंस है और आर रेजिस्टेंस है। अगर दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे, डिवाइड करोगे और फिर लैम्डा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। यूनिट और डायमेंशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज होती है वो डायमेंशन लेस होती है, तो टी अपॉन लैम्डा डायमेंशन लेस केवल और केवल तब होगा जब लैम्डा की खुद की डायमेंशन किसके इक्विवेलेंट हो, टाइम के इक्विवेलेंट हो। तो डायरेक्ट एल अपॉन आर जो है वो टाइम के इक्विवेलेंट डायमेंशन वाली क्वांटिटी हो जाएगी, इसको टाइम कॉन्स्टेंट बोला जाता है। तो आपका काम आसान हो गया यहां से, राइट। और इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको अपन डायरेक्ट देखने की कोशिश करेंगे, राइट। और करंट डीके अगर आप इस स्विच को वापस से हटा दोगे तो आप देखोगे कि अब करंट जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू से जीरो तक जाने की कोशिश करेगी, अगेन ट्रांजिएंट अवस्था में आ गई करंट, तो उस कंडीशन में फिर से ये इंडक्टर है इस अपने कारण का विरोध करेगा, तो इसको एकदम से नहीं होने देगा। तो आप देखोगे बड़े ही स्मूथली करंट जो है वो डिके होगी। अगेन आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। तो ये दोनों जो फॉर्मूलाज हैं ये न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे, हालांकि इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाने की संभावना कम है, बट जब भी पूछा जाएगा तब बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल माना जाएगा। तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। ये करंट ग्रोथ का ग्राफ हो गया और ये करंट डीके का ग्राफ हो गया, राइट। इस पर आते हैं। ये तो सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहे थे कि खुद कॉयल के अंदर ही इंडक्टेंस हो रहा है। अब एक कॉयल के अंदर आप करंट प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है और वो लिंक हो रही है किसी दूसरी कॉयल से जाके,
तो उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एसोसिएट हो रहा है, और उसको अगर आप टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करोगे तो उसके अंदर आपको इंडक्शन होता हुआ दिखाई देगा। फिर उसके अंदर करंट फ्लो होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, वो पहली वाली कॉयल से जाके लिंक हो जाएगा, तो म्यूचुअली एक दूसरे के अंदर इंडक्शन प्रोड्यूस किया जाएगा इन दोनों कॉयल्स के द्वारा। तो इनकी जो एक कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी होती है जिस घटना को डिस्क्राइब करती है उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है। और अगर आप बिल्कुल आइडियल कंडीशन की बात करते हो जिसमें पहली कॉयल के द्वारा जनरेट किया गया पूरा का पूरा फ्लक्स दूसरी से और दूसरी के द्वारा जनरेट किया गया पूरा का पूरा फ्लक्स पहली से एसोसिएट हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है, अगर आप दो सोलेनोइड्स की बात कर रहे हो तो म्यू नॉट एन वन एन टू ए डिवाइडेड बाय एल के इक्वल होती है। दो कॉन्सेंट्रिक और कोप्लेनर कॉयल्स के लिए अगर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकालोगे तो वो निकल के आएगी म्यू नॉट टाइम्स एन वन एन टू पाई आर टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू आर वन। अब यहां पे कंफ्यूज मत होना, आर टू जो है वो छोटी वाली रेडियस है और आर वन जो है वो बड़ी वाली रेडियस है। तो छोटी वाली रेडियस का तो स्क्वायर करना है न्यूमिरेटर के अंदर और बड़ी वाली रेडियस को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर के अंदर। इस तरीके से आप आसानी से दो कोसेंट्रिक कोप्लेनर कॉयल्स के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, राइट? अब इसको आप नोटिस करो, आप देखोगे कि यार ये जो है ये हमें कैसे मिला होगा, हमने एल वन निकाला होगा तो म्यू नॉट म्यू आर एन वन स्क्वायर ए अपॉन एल आया होगा, हमने एल टू निकाला होगा म्यू नॉट म्यू आर एन टू स्क्वायर डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई ए अपॉन एल आया होगा। ए और एल दोनों सेम है क्योंकि हमने बिल्कुल 100% आइडियल कंडीशन मानी है जिसमें सारी चीजें सेम है, 100% फ्लक्स पहली कॉयल का दूसरी से क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है। तो हम देखेंगे कि यार एम जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट एल वन एल टू के इक्वल आ जाएगा, करके देखना आप, है ना? तो ये तो आइडियल कंडीशन हो गई। अदर कंडीशन में पक्का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो अंडर रूट एल वन एल टू से थोड़ा कम होगा। किस फैक्टर से? बाय अ फैक्टर ऑफ के, एंड दिस फैक्टर के इज कॉल्ड कपलिंग फैक्टर। तो आइडियल कंडीशन के लिए तो के की वैल्यू 1 होती है, और कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें पहली के द्वारा प्रोड्यूस किया गया फ्लक्स जो है वो दूसरी से बिल्कुल भी एसोसिएट नहीं होता। जैसे मान लो आप ऐसे रख दो कॉयल्स को, एक तो इस तरीके से रखी हुई है और एक इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है? अब आप देखोगे कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बिल्कुल भी पास नहीं हो रही सेकेंडरी कॉयल से, या सेकेंडरी कॉयल की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बिल्कुल भी पास नहीं हो रही प्राइमरी कॉयल से, यानी कि इन दोनों के बीच कोई कपलिंग नहीं है, कपलिंग फैक्टर 0 है, यानी कि इनके अंदर कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं होगा। तो आप किस तरीके से कॉयल्स को रखते हो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस आखिर में होगा कितना। तो इनके ऊपर क्वेश्चंस जो है अक्सर जब भी आते हैं फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, कहानी बस केवल और केवल इतनी सी है, इसलिए मैंने फॉर्मूलाज के ऊपर बहुत जोर दिया है इनके अंदर, राइट? अब अपन आते हैं कंसेप्चुअल पार्ट के ऊपर। अगर आप एक कंडक्टिंग रॉड लोगे और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाओगे तो अगेन आपको EMF जो है वो इंड्यूस होता हुआ नजर आएगा, और उसका फॉर्मूला होगा L डॉट V क्रॉस B। ध्यान दो, जहां पर डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों आ जाते हैं उसको ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है, और इसकी एक खासियत होती है कि L, V और B इन तीनों में से अगर कोई सी भी दो क्वांटिटी एक दूसरे के पैरेलल हो गई तो इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी है, आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दी जाएगी, आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि यार कहीं L, V और B में से कोई सी भी दो क्वांटिटी एक दूसरे के पैरेलल तो नहीं है। जैसे ही पैरेलल मिल जाए समझ जाना EMF कितना होगा, 0 होगा। जो दूसरी कंडीशन होगी उसमें L, V और B आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, जैसे एक्स वाई और जेड एक्सिस होते हैं, तो ये परफेक्ट कंडीशन हो गई। इसमें EMF हो जाएगा B टाइम्स L टाइम्स V, डायरेक्ट प्रोडक्ट कर दो। करंट हो जाएगी रेडियस से डिवाइड कर दो, बी एल वी डिवाइडेड बाय आर। फोर्स जो होगा कैसे निकालोगे, जब आप इस रॉड को मूव करवाने की कोशिश करोगे इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, करंट प्रोड्यूस होगी, लेंज लॉ अगर आप लगाओगे तो फिर आप अपने कारण का विरोध करोगे। कारण का विरोध का मतलब है कि आप इसको मूव करवा रहे हो, एक फोर्स आपको लगता हुआ महसूस होगा और आपको उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो कितना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर। और इस पूरे के पूरे प्रोसेसर में जो पावर आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। सारे के सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं इन फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड होंगे और बहुत आसानी से हो जाएंगे आपसे, राइट? एल जो है, अभी तो मैंने स्ट्रेट कंडक्टर लिया, अगर टेढ़ा आका बाका कंडक्टर हो तो एल जो है वो हमेशा एंड टू एंड के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको लेना है, उसी डायरेक्शन के अंदर लेना है।
और ईएमएफ की पोलैरिटी पता लगाने के लिए आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हो। अच्छे से सीख लो, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है कि आप फर्स्ट फिंगर, एफ फॉर फर्स्ट, एफ फॉर फील्ड, तो फर्स्ट फिंगर को आप हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखोगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है ना, अंदर जा रही है बोर्ड के, तो मैंने रख लिया। फिर अंगूठा जो है उसको आप कंडक्टर की मोशन की डायरेक्शन में रखोगे, तो मैंने अंगूठे को कंडक्टर की मोशन की डायरेक्शन में रख लिया। तो आपकी जो ये मिडिल फिंगर है, ठीक है, वैसे मत दिखाया करो किसी को, लेकिन यहां पर आप यूज कर सकते हो, तो ये आपको बता देगी कि पोलैरिटी कैसी होनी चाहिए। इसकी जो टिप है वो बता देगी कि ये हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल बनना चाहिए और ये लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल बनना चाहिए। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा और ये नेगेटिव टर्मिनल बनेगा, यानी कि करंट जो बाहर निकलेगी वो इस तरीके से बाहर निकलेगी, पॉजिटिव से बाहर निकलेगी, नेगेटिव के अंदर जाएगी। ये कब काम आएगा? जब आप इसके ऊपर मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखोगे, वहां पर आप इस रॉड को गायब कर सकते हो और एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हो जिसकी वैल्यू तो BLV हो जाएगी। और उसकी पोलैरिटी कैसे डिफाइन करोगे? आप इस रूल के अकॉर्डिंग डिफाइन करोगे और फिर आपका जो दुनिया है, आपका जो काम है, वो बहुत ही आसान हो जाएगा। क्वेश्चंस के अंदर प्रैक्टिस करेंगे अपन इसकी, राइट? अगर इस रॉड को आप रोटेट कर रहे हो, इस पॉइंट पर हिंज कर दिया और रोटेट कर रहे हो, और ये लेंथ जो है वो एल है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से आप रोटेट कर रहे हो, तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है तो बी टाइम्स पाई टाइम्स एफ टाइम्स एल स्क्वायर हो जाएगी, और अगर एरिया और फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है तो बी ए एफ हो जाएगा। आप कोई सा भी एक फॉर्मूला ध्यान रख लो, बाकी आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर एक रेक्टेंगुलर कॉयल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप रोटेट करोगे, तो इस कंडीशन में ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, ना एरिया चेंज होगा, आपके पास एंगल चेंज हो रहा है। भाई फ्लक्स को चेंज करने के तीन ही तरीके हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, या एरिया चेंज कर दो, या एंगल चेंज कर दो। तो यहाँ पर आप एंगल चेंज कर रहे हो, ओमेगा इंटू टी किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी वैल्यू हो जाएगी, ओमेगा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है, तो जो फ्लक्स होगा किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर वो NAB cos ωt के इक्वल हो जाएगा। मतलब सिंपल, एन तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, ए इंटू बी एरिया को मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दिया और कॉस थीटा आता है, थीटा की जगह ओमेगा टी रख दिया। ईएमएफ इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो NAB ω sin ω t आएगा। आप देख रहे हो कि ये सारी की सारी क्वांटिटीज जो है वो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज है, साइन और कोसाइन फंक्शन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव भी हो रही है और नेगेटिव भी हो रही है, जिसको अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसलिए ये जो प्रिंसिपल है ना, ये एसी जनरेटर का प्रिंसिपल कहलाता है, जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ब्रीफ के अंदर समझा रहा हूँ, बट आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना बोर्ड्स के लिए, राइट? करंट जो हो जाएगा वो NAB ω sin ωt डिवाइडेड बाय आर, मतलब ईएमएफ को आर से डिवाइड कर दिया, और ईएमएफ की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो NAB ω की इक्वल होगी, यहाँ पर sin ωt 1 हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर वर्क करता है। प्राइमरी कॉयल और सेकेंडरी कॉयल के अंदर आप नंबर ऑफ टर्न्स के साथ छेड़छाड़ करके दो अलग अलग तरीके के ट्रांसफॉर्मर बना सकते हो। अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है सेकेंडरी की तुलना में, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है, और अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है सेकेंडरी की तुलना में, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। ट्रांसफार्मर केवल और केवल ऑल्टरनेटिंग करंट की कंडीशन में ही वर्क करता है, क्योंकि ये इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है। इंडक्शन केवल और केवल तब होगा जब करंट यानी कि फ्लक्स टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो, डीसी कंडीशंस के लिए वर्क नहीं करता। आइडियल कंडीशंस में आप देखोगे जिसमें कोई पावर लॉस नहीं हो रहा, तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा होगा वो सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स के, ठीक है? इनपुट और आउटपुट पावर इक्वल हो जाएगी, और इसी की वजह से जो करंट का रेशियो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ टर्न्स के। नॉन आइडियल कंडीशन में इनपुट और आउटपुट पावर इक्वल नहीं होगी, इसलिए जो इफिशियंसी होगी वो डिफाइन करी जा सकती है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर टाइम्स 100, ठीक है? दोनों तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अक्सर बहुत ही आसान क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये बिल्कुल ब्रीफ इंफॉर्मेशन है, अपने बिल्कुल पावरफुल हथियार है, और इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जा सकता, 100% दावे के साथ हम ये कह सकते हैं, और इसी को प्रूव करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन लेना है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई दे रखा है, लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, रेजिस्टेंस भी दे दिया हमें, राइट? टाइम टी के ऊपर इसकी डिपेंडेंस दिखा रखी है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट एट टी इज इक्वल टू 0.2, तो हमें पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है -d∅/dt। आई होप डिफरेंशिएशन करना सबको आता होगा, 5t² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10t, -4t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -4, और 1 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। टाइम की जगह पर 0.2 रख देंगे, -10 × 0.2 -4, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बन जाएगा, 2 में से
माइनस फोर करोगे तो माइनस टू, और माइनस माइनस प्लस होके 2 वोल्ट जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू द कॉइल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग ग्राफ, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ वी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द कॉइल इज। तो देखो मैंने बताया था ना फ्लक्स और टाइम के बीच का ग्राफ दे रखा है, तो जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, ईएमएफ को। तो यहां से लेके यहां तक आप देख रहे हो कि स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, और ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाय डी टी, तो नेगेटिव में ले जाना है अपनों को। स्लोप पॉजिटिव है तो ईएमएफ कांस्टेंट होगा बट नेगेटिव होगा, यानी कि हमारा ये आंसर करेक्ट हो सकता है या फिर बाकी तो वैसे भी गलत है सारे के सारे, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 3 हो गया, बट आगे भी चेक कर लेते हैं। फिर यहां से ये लेके यहां तक फ्लक्स कांस्टेंट है, यानी कि ईएमएफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर यहां से लेके यहां तक स्लोप नेगेटिव है, यानी कि ईएमएफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो स्लोप के तो इक्वल होगा ही होगा, नेगेटिव साइन का और ध्यान रख लेना, तब आप इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आसानी से कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस एट द रेट ऑफ 0.4 टी पर सेकेंड, यानी कि अपनों को डीबी डिवाइडेड बाय डीटी दे रखा है, 0.4 टेस्ला पर सेकेंड इन ए स्क्वायर कॉयल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया हो जाएगा 16 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। कैप्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो अगर कॉयल परपेंडिकुलर है तो कॉयल का जो एरिया वेक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, यानी कि एंगल जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, इसको थोड़ा पकड़ना सीखो, राइट। तो अपन फ्लक्स निकालने के लिए डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ईएमएफ होता है फ्लक्स को टाइम से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे सीधा सीधा जो ईएमएफ होगा वो ए टाइम्स डीबी डिवाइडेड बाय डीटी के इक्वल हो जाएगा। क्यों, ऊपर वाली चीज फ्लक्स को डिनोट कर रही है या चेंज इन फ्लक्स को डिनोट कर रही है, नीचे वाला चेंज इन टाइम को डिनोट कर रहा है, और नेगेटिव साइन अपन लगा ही देते हैं अक्सर, राइट। तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, नेगेटिव साइन का पर्पस देख लेंगे बाद में। एरिया 16 × 10⁻⁴ और डीबी डिवाइडेड बाय डीटी 0.4, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा। तो करंट जो होगी वो किसके इक्वल होगी, ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को सीधा सीधा किससे डिवाइड कर दो, आर से, यानी कि 16 × 10⁻⁴ × 0.4 को रेजिस्टेंस 2 × 10⁻³ से डिवाइड कर दो, पॉइंट हटेगा 10 लग जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 16 × 2 = 32 हो जाएगा, ये माइनस 3 और प्लस 1 माइनस 2 बचेगा, ऊपर ले जाएंगे प्लस 2, माइनस 4 में से प्लस 2 गया तो माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 का मतलब होता है 100, यानी कि 0.32 एम्पियर, ये आपका क्या आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चुटकियों में करने ये सवाल, ठीक है ना, थैनोस बन जाना एग्जाम के अंदर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्किट अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम देन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम 2 वेबर टू 10 वेबर इन 0.2 सेकंड, द चार्ज फ्लो इन द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम। मैंने बताया था चार्ज, इंड्यूस चार्ज होता है वो सिंपली डी फाई डिवाइडेड बाय आर के इक्वल हो जाता है, मतलब चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, टाइम के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10 − 2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, 2 ओम, यानी कि 8 / 2 यानी कि 4 कूलम, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट थ्रू द कॉयल वेरीज अकॉर्डिंग टू ग्राफ देन इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ इज। तो देखो करंट का और टाइम का ग्राफ दे रखा है, और हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है किसी कॉयल के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो एक तरीके से आप इसको फ्लक्स और टाइम के बीच का ग्राफ भी मान सकते हो, फिर अपना फंडा सेम रहेगा, स्लोप अगर पॉजिटिव है तो ईएमएफ नेगेटिव हो जाएगा, फिर स्लोप अगर नेगेटिव है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, तो ईएमएफ अचानक से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर उसके बाद में वापस से स्लोप पॉजिटिव हो गई, एक्स एक्सिस के साथ छोटा एंगल बना रही है 90 से, यानी कि अपना ईएमएफ वापस से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोलेनोइड वाउंड ओवर रेक्टेंगुलर फ्रेम, इफ ऑल द लीनियर डायमेंशंस ऑफ द फ्रेम आर इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 3। लीनियर डायमेंशन का मतलब है उसकी हाइट भी बढ़ा दी 3 गुना,
उसकी लेंथ भी बढ़ा दी और उसकी ब्रेथ भी बढ़ा दिया ना, तीन ही डायमेंशन होती है रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए देखोगे तो, द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ रिमेन्स द सेम, द सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट, म्यू आर अभी के लिए एक बार हटा देते हैं, एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एन। अब इसमें एन को कॉन्स्टेंट नहीं रखा गया है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को कॉन्स्टेंट रखा गया है, तो अपन इसको क्या करते हैं एल से नीचे और एल से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब ये बन जाएगा म्यू नॉट एन डिवाइडेड बाय एल होल स्क्वायर टाइम्स एरिया टाइम्स लेंथ, यानी कि म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर ए टाइम्स एन, ये आपकी सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगी। तो म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कॉन्स्टेंट रखा गया है, तो लेंथ सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आ रही है एरिया की और लेंथ की, ठीक है ठीक है। चलो अब हमें कहा गया है कि बताओ L2 L1 के कंपैरिजन में कितना हो जाएगा, और हर चीज को तीन गुना बढ़ा दिया गया है, मतलब अगर पहले सपोज करो इसकी हाइट, मतलब अपन ऐसा ले लेते हैं ठीक है ना, अपनी जो रेक्टेंगुलर कॉयल है उसको अपन इस तरीके से बना लेते हैं, ये तो हो जाएगी इसकी लेंथ, इसको अपन ले लेते हैं हाइट और इसको अपन ले लेते हैं ब्रेथ, ठीक है। तो हाइट को भी तीन गुना बढ़ा दिया गया है, बढ़ा दिया गया ध्यान रखना, तो यानी कि एच थी तीन गुना बढ़ा दिया तो अब कितनी हो गई फोर एच हो गई, ब्रेथ भी तीन गुना बढ़ा दी गई है, पहले बी थी अब कितनी हो गई फोर बी हो गई, और लेंथ भी तीन गुना बढ़ा दी गई है, पहले एल थी अब कितनी हो गई फोर एल हो गई। तो पहले एरिया था एच टाइम्स बी और लेंथ थी एल, अब एरिया हो गया फोर एच टाइम्स फोर बी और लेंथ हो गई फोर एल, एच से एच चला जाएगा, बी से बी चला जाएगा, एल से एल चला जाएगा, चार इंटू चार इंटू चार करोगे तो 64 आ जाएगा, तो एल टू कितना आ जाएगा आपका 64 टाइम्स एल वन आ जाएगा। अब ध्यान रखना इसमें पूछा गया कितना इंक्रीज होगी, पहले एल वन थी और बाद में हो गई 64 एल वन, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ आपका 63 टाइम्स हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर जो है वो आपको करेक्ट होता हुआ नजर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट इज 0.5 हेनरी, यानी कि एम की वैल्यू दे रखी है हमें 0.5 हेनरी, कोई दिक्कत नहीं। द रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट्स आर 20 ओम एंड 5 ओम रिस्पेक्टिवली, तो रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी इज 20 ओम एंड रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी इज 5 ओम, कोई दिक्कत नहीं। टू जनरेट अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर इन सेकेंडरी, करंट इन द प्राइमरी मस्ट बी चेंज्ड एट द रेट ऑफ, तो अब ध्यान देना जो सेकेंडरी कॉयल का फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्राइमरी कॉयल के अंदर बहने वाली करंट के, यानी कि फाइ टू डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा किसके एम टाइम्स आई वन के, यानी कि सेकेंडरी कॉयल के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा एम टाइम्स डी आई वन डिवाइडेड बाई डी टी के, यानी कि सेकेंडरी कॉयल के अंदर जो करंट होगा यानी कि ई टू डिवाइडेड बाई आर, यानी कि एम डिवाइडेड बाई आर डी आई वन डिवाइडेड बाई डी टी के इक्वल हो जाएगा। तो इससे आप डी आई वन डिवाइडेड बाई डी टी की वैल्यू बड़ी ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, आई टू आपको दिया गया है, आर आपको दिया गया है और ई टू आपको दिया गया है। एक और कंफ्यूजन हमने छोड़ दिया, हम ये जो रेजिस्टेंस डिवाइड कर रहे हैं ना ये कौन सी वाली कॉयल का है, सेकेंडरी कॉयल का है, आर टू लिख सकते हैं इसको ना, और इसको आर वन भी लिख सकते हैं ठीक है ना, उसका करंट निकालने तो उसी के रेजिस्टेंस डिवाइड करेंगे तो ये आर टू, तो आई टू आर टू डिवाइडेड बाय ई टू के इक्वल हो जाएगा। चलो देखते हैं, आई टू आर टू सॉरी नॉट ई टू, आई टू ये आर टू हो जाएगा डिवाइडेड बाय एम आएगा, यहाँ पे ई टू तो हमें दे भी नहीं रखा राइट, हमें क्या दे रखा है एम दे रखा है। खैर I2 की वैल्यू, टू जनरेट अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर इन सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में हम कितना करंट जनरेट करना चाहते हैं 0.4 एम्पियर, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम
और एम हमें कितना दे रखा है, 0.5 हेनरी, पॉइंट से पॉइंट हटा, पांच से पांच कटा, यहां पर आ जाएगा 4। तो डी आई वन डिवाइडेड बाई डी टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 एम्पियर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कंडक्टिंग लूप्स ऑफ रेडाई R1 and R2 आर कॉन्सेंट्रिक एंड आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन इफ द R1 इज ग्रेटर देन R2। द म्यूचुअल इंडक्टेंस M बिटवीन देम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो मैंने बताया था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है उसमें एक तो आती है रेडियस का स्क्वायर और नीचे आती है रेडियस की पावर सिंगल। तो स्क्वायर हमेशा उस रेडियस का करना होता है जो आपकी छोटी होती है, आर टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर वन के इक्वल जाएगा, आर टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर वन। तो हमारा जो आंसर है वो डायरेक्ट हमारे लिए तो एज ए फैक्ट हमें पता है, ऑप्शन नंबर 4 जो है क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना, राइट। इसको ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A metallic rod completes its circuit as shown in the figure. The circuit is normal to a magnetic field of B is equals to 0.15. If the resistance of the circuit is 3 ohm, the force required to move the rod with a constant velocity of 2 meter per second. अब हमारे पास में तो direct formula है. कौन सा वाला formula है? B square L square times V divided by R. हमें B दे रखा है. कितना है 0.15, उसका स्क्वायर कर दिया 0.15 से एक और बार मल्टीप्लाई, हमें लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर, तो 50 × 50 क्योंकि सेंटीमीटर में है, 10⁻²⁻², मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁴ आ जाएगा, ठीक है। फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है हमें 3। कैलकुलेट करना आसान है, देखो ये पॉइंट हटेगा, 00 यहाँ पर आ जाएगी, इस पॉइंट को हटाओगे 00 यहाँ पर आ जाएगी, ये 3 से 15 कैंसिल हो जाएगा और 15 से 5 मल्टीप्लाई होके 75 हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, 0 से 0 और इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 100 रह जाएगा। इन दोनों को निपटा लिया, इसको निपटा लिया, अब बच रहे हैं ये, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 और 10⁻⁴ कितना बचेगा, 10⁻⁢, यानी कि 5 × 10⁻³ बचेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 5 करोगे 25, पावर चली जाएगी 2, 5 × 7 37, 375, ये 10⁻² है ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻³ और -2 मिलके -5 बन जाएगा। तो हमें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आंसर देना है, मतलब डिजिट, एक डिजिट के बाद में डॉट लगाना है हमें, तो हम क्या करते हैं इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 3.75 बन जाएगा, और 100 से डिवाइड किया है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मतलब 10⁻² से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो बन जाएगा 3.75 × -5 और +2 करेंगे तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है 3.75 × 10⁻³ न्यूटन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। चुटकियों में हो गया आपसे ये क्वेश्चन, क्योंकि आपने मोस्ट वांटेड सीरीज के अंदर फटाक से ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है एक ग्लिम्स के अंदर देखी हुई है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेक्टेंगुलर कॉयल हैज 60 टर्न्स एंड इट्स लेंथ एंड विड्थ इज 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो रेक्टेंगुलर कॉयल हैज 60 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे रखा है आपको 60, एंड इट्स लेंथ एंड विड्थ, ठीक है, लेंथ आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर और विड्थ आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, देखते हैं कहां पे काम आएगी। द कॉयल रोटेट्स एट अ स्पीड ऑफ 1800 रोटेशन पर मिनट। तो देखो यहां से हम ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, 1800 रोटेशन, एक रोटेशन में कितना एंगल चला जाता है 2π, और ये काम एक मिनट में हो रहा है तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, 0 से 0 चला जाएगा, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 30 टाइम्स, और 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60π rad/s, ये कन्वर्जन गलत मत कर देना, कई बार ये चीजें दिमाग खराब कर देती है आप लोगों का, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, राइट।
इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपको बी कितनी दे रखी है, 0.5 टेस्ला दे रखी है। ये जो लेंथ और विड्थ दे रखी है ना, इससे आप एरिया निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर यानी कि 10^-2 यानी कि 10^-4 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर के अंदर एरिया हो जाएगा। द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, तो हमने देखा था जो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हुआ करता था वो करता था एन ए बी टाइम्स ओमेगा। क्या हमारे पास में एन है, वो भी है, क्या हमारे पास में ए है, 200 × 10^-4, क्या हमारे पास में बी है 0.5, और क्या हमने ओमेगा भी रेडीमेड निकाल रखा है 60 × π। ठीक है, तो अब हमारे लिए काम जो है वो आसान हो चुका है, और इसको जस्ट केवल और केवल कैलकुलेट करना है। ये 10^-4 है और यहाँ पे 1, 2, 3 10^3 यहां से मिल रही है, तो 6 × 2 करोगे तो 12 हो जाएगा। 10^3 और -4 में लड़ाई होगी तो 10^-1 बचेगा। ठीक है, इसको 0.5 को आप लिख सकते हो 5/10। 60 को तो खैर 60 लिखो, क्यों छेड़ोगे, और पाई को आप लिख सकते हो 22/7। तो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 6 करोगे तो 30, उस 30 को 10^-3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 रह जाएगा केवल और केवल, तो ऊपर बचेगा 12 × 3 × 22/7। कर लेते हैं इसको भी मल्टीप्लाई, 12 × 3 कितना हो जाएगा, 36 × 22/7। 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 72, फिर एक क्रॉस लगा के अगेन 72, 2 यहाँ पर, 7 × 9 यहाँ पर, 792 आएगा। तो 792/7 डिवाइड करते हैं, पहले तो एक बार चला गया, फिर आगे 9 दिखा, अगेन एक बार चला गया, 2 पावर में चली जाएगी, फिर 3 बार चला जाएगा, तो आंसर तो आपको हाथों में नजर आ गया होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। राइट, आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, एक छोटा सा कन्वर्जन था, उसको आप थोड़ा सा झेल लोगे तो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। The current flows from A to B as shown in figure. The direction of the induced current in the loop is. तो ऐसे क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे हम। ये करंट यहाँ पर जा रही है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मैं करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखूंगा और इस तरफ मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मेरा जो उंगलियों का कर्ल है वो मुझे बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, बोर्ड से बाहर आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन के अंदर हो जाएगी, डॉट डायरेक्शन के अंदर हो जाएगी। आ रहा है, ठीक है। Current flows from A to B as shown in figure. The direction of the induced current in loop is. अब अगर आप suppose करो अगर ये current जो है उसको increase करोगे, ऐसे तो अगर current constant होगी तो इससे associated जो magnetic flux है वो भी constant होगा, और अगर associated magnetic flux constant है तो आपका induced EMF 0 होना चाहिए, induced current की कोई direction ही नहीं होनी चाहिए। बट आई होप क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा कंप्लीट करता हूँ। इसमें करंट जो है वो इंक्रीज हो रही है, मान लो इंक्रीज हो रही है ना, मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन। तो अगर करंट इंक्रीज हो रही है तो ये जो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। लेंज लॉ कहता है कि हमें उसका क्या करना है, उसको अपोज करना है, तो हमें ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है इस कॉयल के अंदर कि उसको वापस से क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। यानी कि कॉयल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए वो बोर्ड के अंदर जाती हुई आनी चाहिए, यानी कि हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करते हुए दिखाई देनी चाहिए, यानी कि कॉयल का ये फेस जो हमें दिख रहा है वो साउथ पोल होना चाहिए, क्योंकि साउथ पोल में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर घुसती है, और साउथ पोल हमें केवल और केवल तब दिखाई देता है जब इसके अंदर जो करंट है वो कैसे बह रही हो, क्लॉकवाइज बह रही हो। तो अगर इस वायर के अंदर करंट इंक्रीज हो रही है तो लूप के अंदर करंट फ्लो होगी क्लॉकवाइज, अगर वायर के अंदर करंट डिक्रीज हो रही है तो लूप के अंदर करंट होगी एंटी क्लॉकवाइज, और अगर वायर के अंदर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है तो लूप के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। ऐसे 3 अलग अलग क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जा सकते हैं। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर अ मेटल रिंग केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अ बार मैग्नेट इज हेल्ड अबव द रिंग विथ इट्स लेंथ अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। इफ द मैग्नेट इज ड्रॉप्ड फ्रीली द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट इज।
तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, देखो सबसे पहले नॉर्थ पोल जो है वो अप्रोच कर रहा है रिंग को, यानी कि रिंग से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, यानी कि ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, यानी कि करंट प्रोड्यूस होगी, यानी कि लेंज लॉ लगेगा, यानी कि वो अपने कारण का विरोध करेगा। कारण है मैग्नेट का नीचे गिरना, और उसका विरोध कैसे किया जाएगा कि एक हल्का सा रिपल्शन फोर्स लगाएगा उसके ऊपर, राइट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से आएगा। तो इसका जो ओवरऑल एक्सेलरेशन होगा, अगर कुछ नहीं होता तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से नीचे गिरता, बट लेंज लॉ लगने के कारण इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो स्लाइटली लेस देन जी हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इस तरीके के बहुत सारे चमत्कार होते हुए नजर आते हैं आपको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोलेनोइड ऑफ 10 हेनरी इंडक्टेंस एंड 2 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट बैटरी, इन हाउ मच टाइम द मैग्नेटिक एनर्जी विल बी रीचेस टू 1/4 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो क्वेश्चन है वो ट्रांजिएंट कंडीशन के ऊपर है, तो इसमें बेसिकली हमें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू एनर्जी की कब होगी, जब करंट मैक्सिमम होगी, और करंट मैक्सिमम होने पे जो एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर के इक्वल होगी। हमें पता है करंट किस तरीके से चेंज होगी, I नॉट टाइम्स e की पावर माइनस टी अपॉन लेमडा, मतलब मैक्सिमम से धीरे धीरे गिर रही है, एक बार होते होते 1/4 आ जाएगी, तो अपन करंट डिके वाली कंडीशन लेंगे, राइट। तो इन जनरल हमारी जो एनर्जी हो जाएगी हाफ एल इसका स्क्वायर होने का मतलब है I नॉट स्क्वायर e की पावर, इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, राइट। और हमें कहा गया है कि ये जो एनर्जी है वो 1/4 ऑफ मैक्सिमम एनर्जी के इक्वल है, यानी कि हाफ एल आई नॉट स्क्वायर के इक्वल है। इससे ये पूरा का पूरा हाफ एल आई नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 1/4 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2t अपॉन लेमडा। अगर आप दोनों तरफ रूट ले लोगे तो बचेगा 1/2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी अपॉन लेमडा, यानी कि ई की पावर प्लस टी अपॉन लेमडा की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2। इसको नीचे ले गए, इसको ऊपर लेके आ गया ना, वे प्लस हो जाएगी, दोनों को उल्टा कर दिया, और दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो यहाँ पे तो बचेगा टी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू लॉग ई टू। इसकी वैल्यू आपको ध्यान में रख लेनी है, कितनी होती है, 0.693 होती है। तो जो टाइम निकल के आ रहा है वो आ रहा है 0.693 टाइम्स लेमडा, और 0.693 टाइम्स लेमडा, इसमें लेमडा की जो वैल्यू होती है वो आपने देखी थी किसके इक्वल होती है, L डिवाइडेड बाय R के इक्वल होती है। क्या हमें L दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर दिया हुआ तो है, L की वैल्यू है 10, क्या हमें R दिया हुआ है, 2 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.693 टाइम्स 5, इसको अपन अप्रोक्सीमेटली 7 मान सकते हैं, ठीक है, मतलब 0.7 मान सकते हैं, और 0.7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका लगभग जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3.5 सेकेंड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन हमारे लिए, राइट। इन द सर्किट शोन इन फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1 जस्ट आफ्टर प्रेसिंग द की K। तो जैसे आप इस की को अगर आप प्रेस करोगे तो आपकी करंट जो है धीरे धीरे इंक्रीज होना चालू होगी, और इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट होगी, ठीक है ना, I अक्रॉस L, वो किस तरीके से इंक्रीज होगी, कुछ ना कुछ मैक्सिमम करंट जाएगी उसके अंदर, टाइम्स 1 - e की पावर - t अपॉन लेमडा। अब देखो t की जगह 0 रखो, जैसे 0 रखोगे तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 - 1 करोगे तो आई एल कितना आना चाहिए, 0, कब, जस्ट आप स्विच को ऑन करते हो तब। इसका मतलब है कि जैसे स्विच ऑन किया जाएगा इस भाई साहब के अंदर जो करंट जा रही है वो कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि इस पूरी की पूरी ब्रांच को क्या किया जा सकता है, गायब किया जा सकता है, यानी कि केवल और केवल ये 2 ब्रांचेस रह जाएगी, इनका रेजिस्टेंस हो जाएगा 8 + 6 = 14, और 14 रेजिस्टेंस को आप 10 वोल्ट से कनेक्ट कर रखे हो तो आपकी जो करंट आएगी I1 वो कितनी आ जाएगी, 10 / 14, दैट इज 5/7 एम्पियर। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। अगेन दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक इंडक्टर में इनिशियली जो करंट होती है वो कितनी होती है, 0, और स्टेडी स्टेट में जाते जाते इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करने लगता है, कंडक्टर की तरह, यानी कि आप उसको गायब कर सकते हो, एक स्ट्रेट वायर मान सकते हो उसकी जगह, शुरुआत में उसको गायब कर सकते हो, पूरी ब्रांच को गायब कर सकते हो, और स्टेडी स्टेट में उसको गायब कर सकते हो और एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है।
A semicircle loop PQ of radius R moves with velocity V in transverse magnetic field shown in figure. The value of induced EMF between the ends of the loop. तो मैंने बताया था ऐसे केस में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेनी होती है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 2R हो जाएगी. तो EMF हो जाएगा B, that is B, V, that is V, और लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 2R, यानी कि ऑप्शन नंबर B into V into 2R. कौन सा वाला ऑप्शन है? अच्छा दो ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 और 3. अब कौन सा हायर पोटेंशियल पर होगा और कौन सा लोअर पोटेंशियल पर होगा ये जानने के लिए हमें कौन सा रूल यूज करना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करना है. फर्स्ट फिंगर हम फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, अंगूठा हम किसकी डायरेक्शन में रखेंगे, मोशन की डायरेक्शन में. तो ये मिडिल फिंगर हमें बता देगी कि कौन सा वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर होना चाहिए, यानी कि क्यू जो है वो कहां पर हो जाना चाहिए, हायर पोटेंशियल हो जाना चाहिए. ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए. इसको बहुत अच्छे से सीखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. जो ईएमएफ आप निकाल रहे हो, फिर जो भी पावर फोर्स और इस तरीके की चीजें हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द लूप शोन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी वी इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड बी डायरेक्टेड इनटू द पेपर, मतलब पेपर के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज ई, तो ई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. अगेन कंसेप्ट कौन सा लगेगा कि हमें इस एंड और इस एंड के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेनी है. जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी एल बाय टू हो जाएगी. तो हमारा जो ईएमएफ होगा वो हो जाएगा बी टाइम्स वेलोसिटी वी टाइम्स एल डिवाइडेड बाय टू. यहां तक की बात तो आगे समझ में. तो हमारे ऑप्शन नंबर 1 और 2 के सही ऑप्शन होने की संभावना बनती है. अब देखते कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा. उसके लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. फर्स्ट फिंगर रखेंगे फील्ड की डायरेक्शन में और अंगूठा रखेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन में. तो हमारी जो मिडिल फिंगर है वो आपको बता देगी कि हायर टर्मिनल पर कौन सा हायर पोटेंशियल पर कौन सा टर्मिनल होना चाहिए. तो ये इंडिकेट करिए कि जो पी है वो पॉजिटिव होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू क्यू. पी का जो पोटेंशियल है वो हाई होना चाहिए. सो दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ कंडक्टिंग रॉड रोटेट्स विथ अ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द एक्सिस विच पासिस थ्रू पॉइंट ओ एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ. अ यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही है. तो अपन ये मान लेते हैं कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, क्रॉस होगी, क्योंकि हमारा जो एक्सिस है वो भी अंदर जा रहा है. ठीक है ना. देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रॉड, इस एंड और इस एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे. ऐसा पता चले कि रॉड देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया, उस फॉर्मूले को आपको यूज करना है दिमाग लगा के. राइट, तो आप देखोगे कि यहां से लेके यहां तक का हिस्सा है जिसके लिए फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है. जो तो पोटेंशियल आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर. तो बी तो बी रहेगा, ओमेगा भी ठीक है सेम रहेगा. लेंथ कितनी है इसकी 4L, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 16L स्क्वायर आ जाएगा. 2 से 16 चला जाएगा, 8B ओमेगा L स्क्वायर इसकी वैल्यू आएगी. और इधर आप करोगे तो ये जो E2 है इसकी वैल्यू आएगी हाफ B ओमेगा इसका स्क्वायर, यानी कि 4L स्क्वायर. 2 से 4 चला गया, यानी कि ट्वाइस B ओमेगा L स्क्वायर. अब अपन बात करते हैं किसकी, कि ये दोनों पोटेंशियल ऐड होंगे या फिर एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे, मतलब देखना पड़ेगा हमें. तो हम मान रहे हैं कि ये इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, और ये इस तरीके से नीचे जा रहा है. तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके अंदर जो ईएमएफ की पोलैरिटी होगी वो किस तरीके से जनरेट होगी, हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करेंगे. फर्स्ट फिंगर हम रखेंगे फील्ड की डायरेक्शन में जो कि अंदर की तरफ जा रही है. अंगूठा हम रखेंगे कंडक्टर की मोशन की डायरेक्शन में जो कि ऊपर जा रहा है. मैं इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ. तो हमें ये मिडिल फिंगर बता देगी कि हायर टर्मिनल पर कौन सा, हायर पोटेंशियल पर कौन सा टर्मिनल होना चाहिए. तो ओ हायर पर होना चाहिए और पी लोअर पर होना चाहिए. ये पॉजिटिव हो जाना चाहिए और ये नेगेटिव हो जाना चाहिए. राइट, इसकी बात करते हैं. फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, आपकी बार वेलोसिटी किसकी डायरेक्शन में है, आपके सॉरी थंब जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो गया. तो ये मिडिल फिंगर बता रही है कि आपका ओ जो है वो पॉजिटिव हो जाना चाहिए. तो इस हिसाब से भी ये पॉजिटिव हो जाना चाहिए और ये नेगेटिव हो जाना चाहिए. तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है. अगर आप ओ को सपोज करो जीरो पोटेंशियल मान लेते हो,
तो ये भी नेगेटिव 8 बी ओमेगा एल स्क्वायर होगा और ये भी नेगेटिव 2 बी ओमेगा एल स्क्वायर होगा। तो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों सेम टाइप के हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 बी ओमेगा एल स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, धीरे 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 आराम से जो छोटे छोटे कंसेप्ट आपने सीखे हैं उनको अप्लाई करते चलो, आपका एट द एंड बहुत अच्छे से आंसर आ सकता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी एंड 8 मिली हेनरी आर प्लेस्ड सो क्लोज टुगेदर दैट द इफेक्टिव फ्लक्स इन वन कॉइल इज कंप्लीटली लिंक्ड विद द अदर, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दीज कॉइल्स आर दीज कॉइल्स इज राइट। तो कहने का मतलब ये बता रहा है कि आप आइडियल कपलिंग की बात कर रहे हो, और आइडियल कपलिंग होने पर एम जो हुआ करता था वो किसके इक्वल हुआ करता था, रूट एल वन एल टू, यानी कि अंडर रूट एल वन की वैल्यू हो जाएगी 2 मिली हेनरी और एल टू की वैल्यू हो जाएगी 8 मिली हेनरी, यानी कि 16 मिली हेनरी रूट से बाहर निकालोगे तो 4 मिली हेनरी आपके एम की वैल्यू आ जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ ट्रांसफार्मर हैव 50 एंड 1500 टन्स, यानी कि एन पी आपको दे रखा है 50 और एन एस आपको दे रखा है 1500। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंक्ड विथ द प्राइमरी कॉइल इज गिवन बाय फाई इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस 40, फाई इज इक्वल टू फाई नॉट कोई कॉन्स्टेंट होगा 4 टाइम्स टी, वेयर एफ सॉरी फ्लक्स जो है वो एफ गलती से लिखा हुआ है, फ्लक्स इज इन वेबर एंड टी इज इन टाइम, टाइम जो है वो सेकेंड्स के अंदर है, फाई नॉट इज अ कॉन्स्टेंट, द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉयल इज, तो ई पी जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी, तो डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी करेंगे इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, 40 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। हमें पता है कि ई पी डिवाइडेड बाय ई एस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एन पी डिवाइडेड बाय एन एस के इक्वल होता है। तो ई पी तो हमें दे रखा है कितना है 4, ई एस हमें फाइंड आउट करना है, एन पी हमें दे रखा है 50 और एन एस हो जाएगा 1500। 0 से 0 चला गया, 5 से 15 चला गया तो कितना आ जाएगा 30, तो ई एस की वैल्यू आ जाएगी 4 × 30 यानी कि 120 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 3 जो है क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम द इंड्यूस्ड करंट डेवलप्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट इज शोन इन फिगर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल इन वेबर इज। तो अब की बार यहां पे आपको करंट टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस आपको 10 ओम दे रखा है, इंड्यूस्ड करंट डेवलप्ड बाय द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट इज शोन इन फिगर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल इन वेबर इज। तो देखो आपको पता होगा कि ईएमएफ जो होता है वो किसके इक्वल होता है, या करंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, करंट होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो किसके इक्वल होता है डी फाई बाय डी टी। तो आप देख रहे हो कि जो डी फाई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आई इंटू आर इंटू डी टी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि टोटल चेंज इन फ्लक्स अगर आप निकालोगे वो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आर तो कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन हो जाएगा आई का टाइम के रेस्पेक्ट में। तो आई का टाइम के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होता है वो बेसिकली एरिया अंडर द कर्व होता है, और एरिया हमें पता है कितना हो जाएगा 1/2, बेस तो हो जाएगा 0.1 और हाइट हो जाएगी 4। आर की वैल्यू भी हमें दे रखी है कितनी है 10 ओम, 10 × 1/2 × 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं इंटू 4, 10 से 10 चला गया, 2 से 4 चला गया, यानी कि 2 वेबर ये चेंज इन फ्लक्स होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन को लिंक किया जा सकता है, अगर फ्लक्स और टाइम के बीच का ग्राफ दिया जाता तब तो हम निकाल लेते बहुत आसानी से, या ईएमएफ और टाइम के बीच का ग्राफ दिया जाता तो भी बहुत आसानी से निकाल लेते, बट करंट और टाइम के बीच का दिया घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूलाज हैं हमारे पास में सारे के सारे, हम आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अ कंडक्टिंग स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड ए एंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट आई आर लोकेटेड इन सेम प्लेन एज शोन इन फिगर, द फ्रेम मूव्स टू द राइट विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी,
तो ये आपको एक रेक्टेंगुलर फ्रेम दे रखा है, ठीक है, स्क्वायर फ्रेम दे रखा है और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है पूरा का पूरा. द फ्रेम मूव्स टू द राइट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी वी. द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द फ्रेम विल बी प्रोपोर्शनल टू. अब ये क्वेश्चन बेसिकली हाथी का दांत है, मतलब आपको डराने का काम कर रहा है, ऊंची दुकान है बट पकवान जो है वो फीका निकलेगा. बहुत ही आसान क्वेश्चन निकलेगा ये. ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, नॉर्मली बच्चे पढ़ के ऑप्शंस को देख के डायग्राम को देख के घबरा जाते हैं, उनको लगता है बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन और छोड़ देते हैं. जबकि देखो इसमें अपन थोड़ा सा इसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं. ये वायर है राइट, और इसी के प्लेन के अंदर रखा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर फ्रेम जो है, जैसे मान लो बोर्ड हो गया एक तरीके से. ये जो मैंने बाहर वाला डब्बा बनाया ना, ये बेसिकली सेम प्लेन वाली बात को शो करने के लिए बनाया है, बट उसको इमेजिन करने की जरूरत नहीं है. वायर भी बोर्ड के ऊपर रखा हुआ है, फ्रेम भी बोर्ड के ऊपर रखा हुआ है, फ्रेम भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है. अब इस फ्रेम के अंदर अगर आप देखोगे तो चार स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं. ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया. एक कंडक्टर जिसकी लेंथ एल है, वेलोसिटी वी है, मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर अगर मूव कर रहा हो तो उसके अक्रॉस जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो बी टाइम्स एल टाइम्स वी होता है. गिवन दैट बी एल और वी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ पे वैसा है. इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो बोर्ड के अंदर जाती हुई होगी. लेंथ जो है वो किस डायरेक्शन के अंदर है, वाई डायरेक्शन के अंदर है. और वेलोसिटी जो है वो किस डायरेक्शन के अंदर है, एक्स डायरेक्शन के अंदर है. तो इसके लिए वो शर्त लग रही है, इसके लिए वो शर्त लग रही है. बट इन दोनों वायर्स के लिए नोटिस करना, इनकी वेलोसिटी और इनकी लेंथ दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर है. मैंने बताया था जब वेलोसिटी और लेंथ एक ही डायरेक्शन में होती है तो नेट ईएमएफ कितना होता है उसके अक्रॉस, इंड्यूस्ड जीरो होता है. तो इसमें कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, इसमें कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा. इसके अंदर हो जाएगा बी वन टाइम्स एल, कैपिटल एल ले रखा है इन्होंने सिंबल, टाइम्स वी. और यहाँ पर हो जाएगा बी टू टाइम्स कैपिटल एल टाइम्स वी. अब मैंने बी वन बी टू सिंबल क्यों यूज किए हैं, क्योंकि वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू यहाँ पर अलग होगी और यहाँ पर अलग होगी. इस जगह पर तो बी वन की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट टाइम्स करंट आई डिवाइडेड बाय टू पाई. देखो यहां से जो मिडिल पॉइंट है उसकी डिस्टेंस है एक्स, तो ये वाला जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस हो जाएगी x माइनस ए बाय टू. ये डिस्टेंस ए बाय टू है ना, तो आपको तो वायर की यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये, यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक ए बाय टू है, तो जो बच गई वो कितनी हो जाएगी x माइनस ए बाय टू. ये डिस्टेंस हो जाएगी x माइनस ए बाय टू. एलसीएम ले लेते हैं तो टू ऊपर चला जाएगा, टू से टू भी कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई टाइम्स टू एक्स माइनस ए बचेगा. सिमिलरली यहां पर जब आप निकालोगे तो यहां पर वैल्यू आएगी म्यू नॉट, करंट तो स्टिल आए है, यहां पर टू पाई, डिस्टेंस अलग हो जाएगी. यहां से यहां तक है एक्स और यहां से यहां तक है ए बाय टू, तो डिस्टेंस हो जाएगी एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय टू. एलसीएम लेंगे, टू ऊपर चला जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई टाइम्स टू एक्स प्लस ए. क्लियरली आप देख सकते हो कि ये वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगी, इसका मतलब है ये वाला ईएमएफ ज्यादा होगा. ये वाली मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी, डिस्टेंस ज्यादा हो गई, तो ये वाला ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा. तो जो नेट ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एल टाइम्स वी तो कॉमन आ जाएगा, टाइम्स बी वन माइनस बी टू. चलो फटाफट से एल इंटू वी, बी वन माइनस बी टू करते हैं, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई, ये भी दोनों में से कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा यहां से तो वन अपॉन टू एक्स माइनस ए, और यहां से बच जाएगा वन अपॉन टू एक्स प्लस ए. ठीक है, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा एल टाइम्स वी टाइम्स म्यू नॉट टाइम्स आई डिवाइडेड बाय पाई, इधर आएगा टू एक्स प्लस ए और इधर आएगा माइनस टू एक्स और माइनस माइनस प्लस ए, और नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे टू एक्स माइनस ए टाइम्स टू एक्स प्लस ए. फटाफट से देखो 2x से 2x कट गया, a और a ऐड हो गए, 2a हो गए, तो 2a l v म्यू नॉट टाइम्स i डिवाइडेड बाय पाई टाइम्स 2x माइनस a टाइम्स 2x प्लस a. तो ये सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है, तो अल्टीमेटली जो आपका emf हो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल नजर आ रहा है, 2x माइनस a 2x प्लस a के, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए. तो ये क्वेश्चन जो है ये केवल और केवल आपको डराने का काम कर रहा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं रखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर. ठीक है,
तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हमने करे हैं आज के वीडियो के अंदर, वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो टेरिटरी है उसको कवर अप करने की कोशिश करी है। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन आना निश्चित है और इस वीडियो के अंदर से क्वेश्चन आना निश्चित है। तो आई होप यू आर डेफिनेटली गेटिंग बेनिफिट्स आउट ऑफ दिस मोस्ट वॉन्टेड सीरीज। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।